कल 23 तारीख को रायपुर लोकसभा में और कई भारत के कई हिस्सों में चुनाव होने वाले हैं, उस संदर्भ में लोग किस तरीके से वोट करें उस विषय में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं कल सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो नए मतदाता या सारे जो मतदाता हैं वो मतदान करें, जोर शोर से करें मतदान। और आधार मतदान का जो होना चाहिए वो जो भारतवर्ष में हमेशा अपने विवेक से निर्णय लेकर भारत की जनता जो है, क्योंकि जनता को सोचना है, ये जनता को तय करना है, ना किसी और को तय करना है। एक बड़ी विडंबना कह लीजिए या एक बड़ी अजीब सी बात इस चुनाव में देखने आ रही है कि सेना के नाम पर जो वोट मांगा जा रहा है, सेना के रणकौशल पे, सेना के जौहर पे जो वोट मांगा जा रहा है, तो इससे पहले की सरकारों ने कभी इससे बड़े बड़े जौहर दिखाए गए, जो हम जो सर्जरी कहते हैं, जो कौन सी सर्जरी, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी बात चलती है, तो इससे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की गई है सेना के द्वारा और पाकिस्तान की ही की गई है। उसमें बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसमें बड़ी सफलता भी हासिल हुई थी। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह के जमाने में 9,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने घुटने टेके थे हथियार समेत। तो मेजर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह की उपलब्धि अगर हम सामने रख के देखें तो उस समय की सरकार को या तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री रख के सामने चुनाव लड़ना था, या फिर हम अगर कहें तो मेजर अर्जन सिंह और अन्य सैनिकों की अनगिनत शहादतें हैं, जिनको जबरदस्त रणकौशल उस जमाने में हमारे फाइटर प्लेन जो है वो उस तरह की दुर्गम पहाड़ियों में उड़ान नहीं भर सकते थे, ऐसे कई उदाहरण हैं कि उनमें जबरदस्त उन्होंने अपना एयरफोर्स ने जबरदस्त कौशल दिखाते हुए। तो ऐसे कई सैनिक हैं जिन्हें हमें याद करते करते शायद घंटों लग जाएं, लेकिन उनके किसी शहादत को सामने रख के जो अंतर्राष्ट्रीय किस्म का रणकौशल था, उसकी किसी भी शहादत को सामने रख के अन्य सरकारों ने सामने कभी वोट नहीं मांगा। सरकार को वोट मांगना चाहिए अपने 4 4 साल 5 साल के कार्यकाल के द्वारा अपनी योजनाओं पे, जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं निश्चित रूप से अच्छी भी योजना थी, तो उस योजनाओं पे ना मांग कर ये जो सीधा कर रहे हैं। तो अभी जनता को ये सोचना है कि इसके पीछे कहीं कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं कि जो है हमारी उपलब्धि जो नहीं रही उसको छुपाने या बता पाने की स्थिति में ये ऐसा कर रहे हैं। जनता को अपने विवेक से इसमें निर्णय लेना है, ना किसी की भेड़ चाल में आकर निर्णय लेना है और ना किसी के दबाव में और ना ही किसी शोरगुल में आकर, जनता को स्वयं निर्णय लेना है और अच्छी सरकार के लिए निर्णय लेना है। उनका वोट अच्छी सरकार, मजबूत सरकार, जो विकासशील देश से हमारे देश को विकसित देश के और सुदृढ़ देश के जिसका जो जिसकी सेना और जिसका व्यापारिक क्षमता, जो पुरानी भारत को जो सोने की चिड़िया, जो भारत का जो स्वर्णिम काल था उस काल में पहुंचाने की सोच रखने वाले को। और एक बड़ी अटपटी सी मेरी अपील ये भी है कि अगर सचमुच में इन राष्ट्रीय पार्टियों को देश की चिंता है, तो विदेशों में ये होता आया है कि विपक्षी पार्टी भी देश के मसले में एक हो जाती है। तो मैं तो ये भी अपील करना चाहूँगा कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अगर कोई इस तरह से हंग पार्लियामेंट की स्थिति आती तो ये एक होकर, बड़ी अटपटी सी बात लगेगी सुनने पर कि ये एक हो जाएं और एक होकर देश की मुख्य धारा में देश को लेकर आएं, न कि देश को टुकड़ों में बांटने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक वर्ल्ड में अपने आप में एक ऐसा देश है जिसमें अनगिनत भाषाएं और हर कोस पे अपना खान पान और रहन सहन बदल जाता है, लेकिन फिर भी सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी अन्य बहकावे में ना आकर जनता अपने विवेक से निर्णय ले और मजबूत निर्णय ले और विकसित देश बनाने के लिए, एक सुदृढ़ सरकार बनाने के लिए अपना निर्णय ले। और मैं सबको शुभकामना देता हूँ। मैं नरेंद्र सिंह, आप इस गौरव स्थल के सामने खड़े हैं और गौरव जो देश को हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक का, उसका राजनीतिक पार्टियों को लाभ नहीं उठाना चाहिए, ये आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो क्योंकि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रणकौशल या किसी एक सर्जिकल स्ट्राइक की अगर बात करें तो फिर बाकी जितने शहादत हैं हम उनका कुछ एक ढंग से अपमान सा कर रहे होते हैं। तो इसलिए भारत की सेना निरंतर अपने रणकौशल के लिए पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाती रही है और वो आगे भी करती रहेगी, लेकिन ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस पर चलकर वोट हमें नहीं मांगना चाहिए। बात करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।